भाई रोको दे गाड़ी, गाड़ी भाई रोको, गाड़ी भाई रोको ना। लुक इधर, हेलो और जी यहाँ पे वेट मैम मैम फोटो नहीं मिला है। ब्रेक वन मोर, सी यू, सी यू, बाय मैम, बाय बाय। सो सॉल्ट एंड सिटी, हाँ ओके, लुक एट कैमरा, ओके। सॉल्ट एंड सिटी जो न्यू वेब सीरीज आपकी आई है, प्लीज इसके बारे में बताइए। टाइटल सुनते ही सॉल्ट एंड सिटी, दोनों ही एक अलग शब्द है, सो एक्चुअली सॉल्ट सिटी जो टाइटल है, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद डिस्क्राइबिंग मुंबई। मुंबई कैसी जगह है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक है। नाउ नमक कैन बी डिस्क्राइब्ड एज यू नो, जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे मेरे लिए नमक रिप्रेजेंट्स मनी, इट रिप्रेजेंट्स जस्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ यू नो एवरीथिंग इन लाइफ, टेस्ट, इट रिप्रेजेंट्स लाइफ, बिकॉज वी ऑल नीड सॉल्ट टू सर्वाइव। लेकिन जो लोग जिनके एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं होते हैं, वो सोचेंगे कि सॉल्ट से जंग भी लग जाता है चीज़ों पे, सॉल्ट से नमी भी आ जाती है, यू नो मॉस भी हो जाता है। सो ऑल दोज थिंग्स आर ऑल अबाउट परसेप्शंस इन लाइफ, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सॉल्ट सिटी डील्स विद। एक फैमिली के बारे में है, वाजपेयी फैमिली, जो कि बिलोंग करते हैं लखनऊ को, लेकिन मुंबई में सेटल्ड हैं 20-25 साल से, और तीन बेटे हैं, एक बेटी है, सबसे बड़ी बेटी की बहू है, बीवी है, जो कि है मैं, गुंजन, जिसका मेरा जो किरदार है वो सबसे बड़े बेटे की बीवी है, और एक और बहन है जो कि है वाजपेयी जी के जो भाई हैं उनकी बेटी होती है, जो गुजर चुके होते हैं। तो इट्स यू नो, जिंदगी में, फैमिलीज़ में कोई भी कभी भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में यू नो तनाव आते हैं, लोग एक दूसरे को गलत समझते हैं, एक दूसरे के बारे में कंपटीशन आ जाता है, एक दूसरे के यू नो थोड़ी नफरत होने लगती है। वहीं प्यार भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, टॉलरेंस भी होता है, बिकॉज कई बार आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गेट अलॉन्ग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनके साथ जीना पड़ता है, तो आप सीखते हैं एडजस्ट कैसे करना है, अडैप्ट कैसे करना है। सो यही कहानी है, इट्स अ फैमिली ड्रामा, एंड इट डील्स विद पीपल्स कॉम्प्लेक्सिटीज, और जो इंटरपर्सनल रिलेशंस के प्रॉब्लम्स आते हैं, अच्छाई आती है, इट्स द गुड बैड एंड अगली ऑफ अ फैमिली बेस्ड इन मुंबई। इसमें जैसे कि आपका एक अलग ही किरदार है, सो ये किरदार आप खुद कितना पसंद करती हैं? I absolutely love my character Gunjan, because Gunjan is somebody who I instantly connected to, not because I am like her, but because it's so real. I'm like, हाँ लोग ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी यू नो सिर्फ एक ही ट्रैक के होते हैं, या बिल्कुल पतिव्रता तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी उनका दिल कोई कुछ और चीज़ चाहता नहीं, या कहीं आपकी ज़िंदगी में जो कमियां होती हैं आप वो किसी और तरीके से पूरा नहीं करना चाहते। सो शी इज़ वेरी रियल, एंड आई लाइक दैट अबाउट गुंजन, एंड शी इज़ ऑफ कोर्स, शी नोज़ शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ कॉन्फिडेंट, शी इज़ ऑल ऑफ दैट,
बट एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो अ फैमिली पर्सन. वो अपने हस्बैंड के करियर को उसके आगे रखती है, उसके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है. और वहीं वो अपने फैमिली के रिश्ते भी निभाती है, मतलब अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को भी इज्जत देती है, अपने देवरों के साथ भी ठीक रहती है. अब उसमें क्या क्वर्क है और वो क्यों छेड़खानी करती है वो तो आपको शो देख के ही मालूम पड़ेगा. बट आई लव गुंजन्स कैरेक्टर. हमेशा से आपको अलग अलग किरदार में देखा है, लेकिन आप किस तरीके का किरदार पसंद करती है? क्योंकि कोई भी कहानी हर किसी फैमिली को एक मैसेज देती है. दिस हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. सॉल्ट सिटी में एक बहुत ही अमेजिंग मैसेज है कि कई बार सीक्रेट्स होते हैं फैमिलीज़ में जो कहीं दबे हुए होते हैं, कोई उसके बारे में बात नहीं करता, कोई एड्रेस नहीं करता. एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जानें, समझें, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ डील करें. ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही अपने बच्चों को बड़ा करें, या बिल्कुल वैसे ही आपने जो सपने देखे, ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे वही सपने पूरे करें, उनके भी अपने सपने हो सकते हैं. सो आई थिंक इट डील्स विद ऑल दोज प्रॉब्लम्स. एंड आई एब्सोल्युटली थिंक दैट पीपल मस्ट वॉच सॉल्ट सिटी, क्योंकि उनके खुद के फैमिलीज में जितने मतभेद होते होंगे, आई थिंक अ लॉट ऑफ दोज कैन गेट एड्रेस्ड एंड रिजॉल्वड. हमेशा से आपने कितना पसंद किया है और क्या कुछ नया कुछ सीखा है? पोल डांसिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है भाई. जितना खूबसूरत लगता है ना, ऐसा लगता है कि हाँ लड़कियाँ ऐसे कैसे घूम रही हैं इसके ऊपर. इट्स ऑल ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, मतलब आपके थाइज हैं जो वो पोल को पकड़ रहे हैं, आपके हाथ हैं जिससे आप वो वहाँ पर लड़के हुए हैं. तो मुझे न्यू फाउंड रिस्पेक्ट है फॉर ऑल पोल डांसर्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज आई डोंट थिंक उनके जैसा फिटनेस का लेवल किसी का भी होगा. सो मैंने लिटरली सिर्फ 2 या 2.5 घंटे ट्रेनिंग ली होगी 2 दिन में, बिकॉज आई थिंक एक घंटा एक दिन और दूसरा दिन दूसरा घंटा. बट जिन्होंने मुझे सिखाया उनको भी हैट्स ऑफ. और जैसे मैंने कोशिश की लिटरली शूट के बाद, बिकॉज वो पूरा जो पोल डांसिंग का सीक्वेंस था वो एक दिन में शूट हुआ था, एंड पोल डांसर्स खुद 1 घंटे से ज़्यादा पोल पर नहीं रह पाते बिकॉज उनका टाइम फ्रेम ही वो होता है. मैंने पूरा दिन शूट किया उस पर, चढ़ के उतरना, चढ़ के उतरना, चढ़ के उतरना. लिटरली बाय द एंड ऑफ द शूट, आई डोंट नो इफ दे हैव अ मेकिंग ऑफ इट, बट आई वाज वॉकिंग विद माय थाइज अपार्ट बिकॉज मेरे इनर थाइज ब्लैक ब्लू पर्पल हो चुके थे, एंड आई कुडंट कीप माय लेग्स टुगेदर. तो ये भी एक एक्सपीरियंस है, एंड आई होप जितनी मेहनत की है उतना ही लोगों को पसंद आए. नहीं, मैं वहाँ पर एक्चुअली कैन फेस्टिवल में फिल्म फेस्टिवल में नहीं गई थी, लेकिन मैं कैन फेस्टिवल में के ठीक बाद, मतलब 1 या 2 दिन बाद, आई वाज देयर टू होस्ट अ वेडिंग. इट वाज द फर्स्ट इंडियन वेडिंग एट द कैन थिएटर. सो बहुत मज़ा आया, मैंने तो मज़ा उठा लिया वहाँ का. तो आई होप कि अगली बार फिल्म फेस्टिवल के लिए भी जाऊँ इंशाल्लाह. Amazing, amazing experience. Piyush Mishra ji, Navni ji is to my heart. She's amazing. She's a beautiful person. Isha, Manish, Pranay, Monica, Jitin, Divyendu. I think we all made a great family, and we actually behaved like family itself because we were all so in tune with each other. And बहुत कुछ सीखने मिला. Divyendu is a fantastic actor. Manish is a great actor. पीयूष जी, नवनी जी, सबसे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला. ईशा इज़ सो मच फन. तो बहुत मज़ा आया. आने वाले दिनों में आप किस तरीके का किरदार निभाना चाहती है? चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ, बट इस साल आई थिंक मेरा एक्शन रोल भी लोगों को दिखेगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा शो आ रहा है जिसमें मैंने बहुत सारे स्टंट्स किए हैं. तो वो भी आ रहा है, लेकिन आई थिंक अ लव स्टोरी जहाँ पर it's about I think a love story would be nice to do. It'll be light, and maine kabhi wo kiya nahi hai, so I'd love to do that. Any upcoming new projects to our fans ke sath share? Like I said, there's a lot coming this year, but I can't really reveal it because obviously sab contracts mein hote hain. To bahut kuch aa raha hai, filmein bhi aa rahi hain, web show bhi aa raha hai, reality show bhi aa raha hai. To yeah, watch out for Gaur Khan. Lastly, what will be your message to all the fans who are loving? I just love you back. I love you so much.
जिंदगी में बस बी ऑन द राइट पाथ, स्प्रेड लव, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द हेट दैट इज बींग फेड टू यू, एंड जस्ट बी कूल. थैंक यू.